आप देखिए पॉलिटिकल लड़ाई बहुत होती है, सरकार आपकी हो या इनकी हो, इनकी हो या आपकी हो, इस दिव्यांग की दुनिया वही की वही रहती है, लेकिन इसके जीवन को बदला जा सकता है। हम बार बार वाकई मौजूदा प्रधानमंत्री ने एक काम अच्छा करा कि नाम दिव्यांग कर दिया, पहले विकलांग कहा जाता था, लेकिन उससे आगे गाड़ी बढ़नी चाहिए। अस्पतालों में, पुलिस स्टेशन में इनकी समस्या को कौन सुनेगा। मैं चाहूंगा कि 40-40 सेकंड आप दोनों इस विषय पर बोले, पहले मोहन प्रकाश जी आप, फिर सुधांशु त्रिवेदी। कोई दो राय नहीं है, और यह मैं क्योंकि इस देश में ये भी रहते हैं। देखिए कांग्रेस की सरकारों के समय ही, और अगर राजीव जी के समय में तो काफी हुआ, इंदिरा जी के समय में भी हुआ, तो इसको और तेजी से बढ़ाने की जरूरत है, ताकि जो इनके लिए जैसे वो बता रहे हैं जो बोल नहीं सकते, उनके लिए पढ़ाई के लिए और ज्यादा वो हो, क्योंकि जब तक पढ़ाई के केंद्र नहीं होंगे तो उनकी भाषा को समझने वाले जो जो अगर सरकार अपॉइंट भी करना चाहेगी तो नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारा कहना कि सभी सरकारों को इस पर एक मानवीय दृष्टि से संवेदनशील होकर इस पर आगे बढ़ना चाहिए। आपके घोषणा पत्र में दिव्यांगों के लिए कुछ है, मैं वैसी जानना चाह रहा हूं। रहेगा रहेगा हमेशा आपके आपके घोषणा पत्र के अंदर। ये जो विषय उठाया है संवेदनशील विषय है, इसके ऊपर कोई राजनीतिक वक्तव्य न देते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें जो कुछ भी हुआ है, हमारी सरकार ने भी कुछ कदम उठाया, भी बहुत कुछ करना बाकी है। तीन स्तरों पर, पहला जो सार्वजनिक स्थल होते हैं वहां पर दिव्यांगों के लिए समुचित व्यवस्थाओं का निर्माण, दूसरा उनकी शिक्षा के लिए चाहे पुस्तक हो या विद्यालय, इन दोनों में व्यवस्था कब होगा सर? 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, उसमें काम कई हुए। मैं यहां पर उस टॉपिक पे डिबेट के रूप में नहीं जाना चाहूंगा, पर ये कहूंगा अभी जो कुछ भी हुआ है मगर उससे भी अभी काफी कुछ करना बाकी।